गौरी मिश्रा हमारी मेहमान कवित्री थी, उत्तराखंड से आई थी। हम मैंने बताया था आपको कि हम अपने मेज़बान शायरों के लिए भी आपकी मोहब्बत चाहते हैं। मेरी फहरिस्त में एक ऐसा नाम है कि जिनके काम से मैं बहुत पहले से वाकिफ़ हूँ, लेकिन आज उनसे पहली बार मुलाकात हुई। कई किताबें उन्होंने हिंदी, उर्दू और भोजपुरी में लिखी हैं, और बहुत ज़्यादा खुशी मुझे उस वक्त हुई कि जब सर सैयद वेलफेयर सोसाइटी ने उनकी तालीमी खिदमात के लिए, इल्मी खिदमात के लिए उनका एहसास किया। मैं आप ही के फनकार जनाब गुलरेज शहज़ाद की बात कर रहा हूँ। गुलरेज शहज़ाद यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, दरख्वास्त करता हूँ कि इस माइक पर तशरीफ़ लाएँ और आज अपने शहर में अपने फ़न के जौहर दिखाएँ, मेरे भाई गुलरेज शहज़ाद। बहुत बहुत शुक्रिया। इस लाइट को फिक्स करो, घुमाओ नहीं, ये काम अच्छा किया आपने। फिक्स करो लाइट को जी। एक मतला एक शेर पेश खिदमत है जी इरशाद, कि तू जो छूले मुझे मैं भी तेरा मंजर हो जाऊं। वाह। तू जो छूले मुझे मैं भी तेरा मंजर हो जाऊं, और इतना फैलूं कि मैं कतरे से समंदर हो जाऊं। क्या कहना है, क्या कहना है। तू जो छूले मुझे मैं भी तेरा मंजर हो जाऊं, इतना फैलूं कि मैं कतरे से समंदर हो जाऊं, और मेरे चेहरे को जो हंस हंस के सभी देखते हैं, वाह, तेरी आंखों में जो भर जाऊं तो सुंदर हो जाऊं। अरे क्या कहना है। वाह वाह। मेरे चेहरे को जो हंस हंस के सभी देखते हैं, तेरी आंखों में जो भर जाऊं तो सुंदर हो जाऊं, और अपना बुत खुद ही पहाड़ों सा तराशा मैंने। वाह। अपना बुत खुद ही पहाड़ों सा तराशा मैंने, और अब ये कोशिश है कि मैं उसके बराबर हो जाऊं। बहुत अच्छा है, क्या कहना है। अपना बुत खुद ही पहाड़ों सा तराशा मैंने, अब ये कोशिश है कि मैं उसके बराबर हो जाऊं। दो तीन शेर और देख लें। मतलब पेश खिदमत है कि जाने वाले गैर फानी हो गए, जाने वाले गैर फानी हो गए, ऐसे बिछड़े हम कहानी हो गए। क्या कहना है। जाने वाले गैर फानी हो गए, ऐसे बिछड़े हम कहानी हो गए, और वक्त पत्थर था हमारी राह का, और हम झरने का पानी हो गए। अरे क्या कहना है। वक्त पत्थर था हमारी राह का, और हम झरने का पानी हो गए, और रात तो सौदागिरी में कट गई। वाह। कि रात तो सौदागिरी में कट गई, दिन उगा तो खानदानी हो गए। अरे वाह वाह। रात तो सौदागिरी में कट गई, दिन उगा तो खानदानी हो गए। और शेर देखें कि रात तो सौदागिरी में कट गई, दिन उगा तो खानदानी हो गए, और लूटने वालों ने लूटा इस तरह, लूटने वालों ने लूटा इस तरह, हम दुखों की राजधानी हो गए। क्या कहना है। लूटने वालों ने लूटा इस तरह, हम दुखों की राजधानी हो गए। और मक्ता का शेर पेश खिदमत है कि जान दी गुलरेज उनके वास्ते, जान दी गुलरेज उनके वास्ते, मेरे दुश्मन पानी पानी हो गए। क्या कहना है। वाह 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 वाह। जनाब गुलरेज शहजाद बहुत ही बावकार तरीके से और फिक्र फ़न के खूबसूरत तवाज़ुन के साथ उन्होंने जो माहौल बनाया है, मेरा जी चाहता है कि मैं आप सबको और तमाम शायरों और कवियों को शरीक करते हुए अर्ज़ करूं कि हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक़ को निभाते हुए मर जाते हैं। ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती, लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं।